मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में एल्किल हैलाइड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखी। हमने एल्किल आइसोसाइनाइड या एल्केन आइसोनाइट्राइल का सिंथेसिस किया, फिर हमने उनके हाइड्रोलाइसिस से एमीन और फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन किया, एल्केन आइसोनाइट्राइल के रिडक्शन से हमने सेकेंडरी एमीन का फॉर्मेशन किया, और उसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन की ओर गए जिसमें हमने नाइट्रो एल्केन्स और एल्किल नाइट्राइड का सिंथेसिस किया। नाइट्रो एल्केन के सिंथेसिस के लिए हमने AgNO2 को काम में लिया और एल्किल नाइट्राइड के सिंथेसिस में हमने जो काम में लिया वो सोडियम नाइट्राइड या पोटेशियम नाइट्राइड। अब देखिए, इसके बाद अब हम नेक्स्ट रिएक्शंस की ओर मूव करते हैं। सबसे पहले हम एस्टर का सिंथेसिस कराएंगे एल्किलाइड की हेल्प से। तो देखिए आप, सिंथेसिस ऑफ एस्टर्स, सिंथेसिस ऑफ एस्टर्स। देखिए, व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड्स दे फॉर्म एस्टर्स। जब एल्किल हैलाइड एसिड के सिल्वर सॉल्ट से रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, एस्टर्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो लिखिए सिंथेसिस ऑफ एस्टर्स व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट्स विद सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड। सिल्वर सॉल्ट of acid, that is RCOOH, reacting with alkyl halide, AgH यहाँ से remove होगा और बन जाएगा ester, RCOOR। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन CH3COOG सिल्वर एसिटेट रिएक्ट्स विद एथिल ब्रोमाइड दैट इज एथिल ब्रोमाइड, तो यहां से ये AgBr रिमूव होगा और एथिल एसिटेट का फॉर्मेशन हो। और बाहर निकल जाएगा AgBr, बाहर निकल जाएगा AgBr। ठीक है, तो लिखिए एल्किल हैलाइड्स रिएक्ट्स विद सिल्वर एसिटेट and it form esters. क्या बनाएंगे,
एस्टर्स बनाएंगे। रिएक्शन नोट कर लीजिए। AGH जो है इस रिएक्शन में रिमूव हुआ, यहां पर AGBr रिमूव होगा। देखो ये उनसुटी का रिएक्शन में भी हमने देखा था, उनसे हमने बनाए थे एल्किल हैलाइड्स फ्री रेडिकल रिएक्शन में, वहां भी हमने सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड्स को यूज में लिया, और यहाँ एस्टरीफिकेशन में ये यूज आए हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है सिंथेसिस ऑफ थायोल्स। सिंथेसिस ऑफ थायोल्स सिंथेसिस ऑफ थायोल्स और इन्हें बोलते हैं मर्केप्टेन्स। ठीक है, देखिए व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम एंड पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड KSH और NaSH तो क्या होगा, यहां से ये डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव के पॉजिटिव ये नेगेटिव तो क्या बन जाएगा एल्कीन थायोल। और बाहर निकल जाएगा KX, बाहर क्या निकल जाएगा KX। अगर हमने लिया CH3 CH2 Cl और इधर ले लिया KSH, ये क्या है एथिल क्लोराइड, तो यहां से ये KCl बाहर निकलेगा और बन जाएगा एथिल थायोल और बाहर KCl निकल जाएगा। क्या बन जाएगा ये एथिल थायोल। तो एल्किल हैलाइड पोटेशियम या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करके एल्केन थायोल का फॉर्मेशन करते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं मर्केप्टेन। दूसरा क्या नाम है इनका मर्केप्टेन्स। क्या नाम है इनका मर्केप्टेन, तो लिखिए देखो यहां पर हम एल्कोहलिक मीडियम में कराएंगे रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड की एल्किल हैलाइड के साथ, तो लिखिए एल्किल हैलाइड रिएक्ट्स विद इथेनॉलिक पोटेशियम और सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड पोटेशियम और सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड it forms
एल्केन थायोल, इट फॉर्म्स एल्केन थायोल्स और मरकैप्टेन्स, इट फॉर्म्स एल्केन थायोल और मरकैप्टेन। अब ये दोनों रिएक्शन नोट कर लीजिए आप, ये इसका एग्जाम्पल। अब इसके बाद नेक्स्ट डायरेक्शन देखते हैं एल्केन थायोल के सिंथेसिस के बाद। नेक्स्ट डायरेक्शन है रीडल ग्राफ सिंथेसिस। Next is synthesis of alkyl benzene. Synthesis of alkyl benzene जिसे बोलते हैं Friedel-Crafts reaction. क्या बोलेंगे? Friedel-Crafts reaction. देखिए इसमें क्या होता है, हमने कोई भी एल्किल ब्रोमाइड लिया जैसे कि CH3Cl, जब वो रिएक्शन करेगा बेंजीन से, ये बेंजीन है तो ये रिएक्शन होगी एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो यहां से ये HCl का रिमूवल होगा माइनस HCl और ये एल्किल ग्रुप बेंजीन से कनेक्ट हो जाएगा, हमें मिल जाएगी टॉरुइन और HCl जो है वो बाहर निकल जाएगा। अब देखिए बेंजीन का एल्काइलेशन होना कहता है Friedel-Crafts रिएक्शन, इसमें इलेक्ट्रोफाइल के रूप में ही अटैक करेगा बेंजीन पर। अभी रिएक्शन कैसे होगी तो देखिए मैकेनिज्म देखते हैं। देखिए पहले स्टेप में क्या होगा, उससे पहले आप मैकेनिज्म देखेंगे, उससे पहले आप लिखिए इसमें when alkyl halide reacts with benzene, when alkyl halide reacts with benzene in the presence of Lewis acid, in the presence of Lewis acid
AlCl3 at 300 degree centigrade at 300 degree centigrade it forms alkyl benzene. It forms alkyl benzene. This reaction is known as Friedel-Crafts reaction. This reaction is known as Friedel-Crafts reaction. अब ये reaction देखो. देखो कैसे इसकी mechanism complete होती है वो देखते हैं. पहले क्या होगा, AlCl3 इससे react करेगा alkyl halide से, तो that is CH3Cl and it react with AlCl3. तो ये Lewis acid है, इसमें 3Cl से ये क्या करेगा, इस Cl को भी रिमूव कर देगा यहाँ से, जिससे इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और बन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल कार्बोकैटायन. और AlCl4 माइनस 12 रिलीज हो जाएगा. ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल कार्बोकैटायन अब ये अटैक करेगा स्टेप सेकंड में हमारे मॉलिक्यूल बेंजीन पे. तो ये बेंजीन पे कैसे अटैक करेगा, देखिए बाहर क्या निकलेगा, AlCl4 माइनस. तो स्टेप सेकंड में क्या होगा, देखिए स्टेप वन में तो ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया, स्टेप सेकंड में क्या होगा, ये बेंजीन पे अटैक होगा हमारे इलेक्ट्रोफाइल CH3+ का. ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ये जुड़ जाएगा इधर, जिससे क्या होगा इस तरीके से यहां कार्बन का टाइम, यहां डबल बॉन्ड. अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट होंगे, ये H, ये CH3. अब यहां डबल बॉन्ड और यहां डबल बॉन्ड. अगले स्टेप में इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, फिर क्या होगा, इधर H, इधर CH3 और अब यहां आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. इन तीनों को हम, अब देखो पॉजिटिव चार्ज और तो से स्टार्ट हुआ और तो पे खत्म हो रहा है, तो इसको हम क्या बनाएंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड इस तरीके से. और ये अल्टीमेटली ये स्टेबल स्ट्रक्चर है, इससे ये बन जाए. ठीक है, लास्ट स्टेप में क्या होगा, देखो AlCl4 माइनस बन के पहले स्टेप में, अब स्टेप थर्ड में जो हमारा ये मॉलिक्यूल है HCH3, ये चार्ज ऑर्थो से स्टार्ट ऑर्थो पे खत्म, ये करेगा रिएक्शन AlCl4 माइनस से, जो यहां से प्रोटॉन रिमूव करेगा और वापस रिंग बन जाएगी बेंजीन की, हमें बन जाएगा टॉलुइन. और ये H प्लस यहां से Cl माइनस लेके HCl बना देगा और AlCl की जो कैटेलिस्ट था उसी फॉर्म में बाहर निकल जाएगा. तो ऐसे फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन यहां पर कंप्लीट होती है. ये रिएक्शन की मैकेनिज्म के फर्स्ट स्टेप आप लिख चुके हो, सेकंड और थर्ड स्टेप आप यहां से नोट कर लीजिए.
अब इस तरीके से फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट होती है और इससे हमने एल्किल बेंजीन यानी कि टोलुइन का सिंथेसिस किया। अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारी है एल्केन हैलाइड की वो है स्ट्राइकर्स रिएक्शन। स्ट्राइकर रिएक्शन स्ट्राइकर रिएक्शन में क्या होता है एल्केन हैलाइड रिएक्शन करता है सोडियम या पोटेशियम सल्फाइड से, ठीक है, और उससे बनते क्या है एल्किल सोडियम एल्किल सल्फोनेट और बाहर क्या रिमूव होता है सोडियम के सॉल्ट रिमूव होते हैं। इसे बोलते हैं स्ट्रैकर सिंथेसिस। तो देखिए स्ट्रैकर सिंथेसिस में कैसे रिएक्शन होती है, हमने सबसे सिंपल एग्जांपल लिया है। स्ट्रैकर सिंथेसिस के अंदर कोई भी एल्केन हैलाइड रिएक्ट विद आर एसओ थ्री एन ए सोडियम एन ए टू एसओ थ्री सोडियम सल्फाइड दैट इज एन ए टू एसओ थ्री क्या है सोडियम सल्फाइड अब यहां से ये सॉल्ट रिमूव हो जाएगा NaX और क्या बन जाएगा आर SO3 Na प्लस रिमूव क्या होगा NaX। यहां पर हम इस आर SO3 Na को बोलते हैं सोडियम एल्किल सल्फोनेट। क्या बोलते हैं सोडियम एल्किल सल्फोनेट। इसका एग्जांपल यदि हम देखें तो देखो ये है एथिल क्लोराइड। क्या है एथिल क्लोराइड ये जब करता है रिएक्शन Na2SO3 से तो यहां से ये NaCl रिमूव होता है और बन जाता है CH3CH2SO3Na प्लस NaCl सोडियम एथिल सल्फोनेट। क्या बन जाएगा सोडियम एथिल सल्फोनेट। तो उस पे लिखिए When alkyl halide is heated with sodium sulfide सोडियम एल्किल सल्फोनेट इज फॉर्म सोडियम एल्किल सल्फोनेट इज फॉर्म
this reaction is known as Stracker reaction. अब ये रिएक्शन और ये एग्जांपल दोनों ले लीजिए. स्ट्रैकर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. Now, अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन में है रिएक्शन विद मेटल्स. मेटल्स से अब हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराएंगे और हम इनसे क्या करेंगे, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड का सिंथेसिस करेंगे. ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड का क्या करेंगे, सिंथेसिस करेंगे. कौन कौन से, एक तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, सबसे पहले किसका करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. उसके बाद फ्रैंकलिन रिएजेंट, नंबर थर्ड पे टेट्रा एल्किल लेड, ये सभी क्या है, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है. और लास्ट में ऑर्गेनो लिथियम. लास्ट में कौन सा है, ऑर्गेनो लिथियम. तो मैंने एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद मेटल्स क्या क्या बनेंगे, क्या बनेंगे, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड बनेंगे. इनमें सबसे पहले क्या बनेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फिर बनाएंगे फ्रैंकलिन रिएजेंट, फिर टेट्रा एल्किल लेड और लास्ट में ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड. सबसे पहले देखते हैं सिंथेसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. सिंथेसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, देखो मैंने एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर.
क्या बन जाएगा हमारा मैग्नार्ड रीजन आर एम जी एच। जैसे कि देखो सी एच थ्री सी एच टू बी आर रिएक्ट विद मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर, क्या बन जाएगा सी एच थ्री सी एच टू एम जी बी आर मैं एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, ये क्या है हमारा रिग्नार्ड रीजन शॉर्ट में एम जी आर। ओके, तो देखो एल्किलाइट्स रिएक्ट विद मैग्नीशियम, एल्किलाइट रिएक्ट विद मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड फॉर्म ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड फॉर्म ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिएक्शन नोट कर लीजिए, तो आज की क्लास में हमने सबसे पहले एस्टर का सिंथेसिस किया, एस्टर के बाद हमने फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन देखी, वहां हमने टोलुइन का सिंथेसिस किया, एल्किल बेंजीन बनाए और फिर हमने एल्केन थायोल्स मर्केंटाइल सिंथेसिस किया और लास्ट में हमने अब मेटल सिंथेसिस करा रहे हैं, तो हम डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड फॉर्म करेंगे। सबसे पहले हमने एल्किलाइट और मैग्नीशियम की रिएक्शन से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स का फॉर्मेशन किया, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।